लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 2024 में सब कुछ गवा चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब दोबारा से पार्टी के खिसक चुकी सियासी जमीन को वापस लाने के लिए उपचुनाव में मैदान में उतरने की स्ट्रैटेजी बनाई है। अभी तक बसपा चुनाव से दूरी बनाए रखती थी, लेकिन सियासी ठोकर लगने के बाद अब बसपा ने सियासी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। सूबे की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के जरिए कमबैक करने के लिए बसपा ने मजबूत प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है। बसपा अकेले चुनावी मैदान में उतरी है और एक सीट भी नहीं जीत सकी। उत्तर प्रदेश में बसपा ने अपनी 10 सीटें भी गंवा दी और वोट शेयर 10% से भी कम हो पाया है। बसपा यूपी में 9.39% वोट के साथ उसी जगह पर खड़ी है जहां पर 1989 के चुनाव में थी। इस बार मायावती के कोर वोट बैंक माने जाने वाले जाटव समुदाय में भी अच्छी खासी सेंध लगी है। 2024 की हार ने बसपा को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इसके चलते ही बसपा ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और सूबे की सियासत में कमबैक के जरिए उपचुनाव में उतरने का प्लान बनाया। लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा करने के लिए बसपा प्रमुख मायावती 20 जून के बाद किसी भी दिन बैठक बुला सकती हैं। समीक्षा बैठक में बसपा के सभी पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा। हालांकि 4 जून को नतीजे आने के अगले दिन ही बसपा प्रमुख ने वरिष्ठ नेताओं के साथ हार के कारणों पर विस्तृत रिपोर्ट लेकर उस पर चर्चा की थी और जिन क्षेत्रों में पहले से ज्यादा खराब प्रदर्शन रहा वहां के कोऑर्डिनेटरों से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। अब मायावती प्रदेश और देश भर के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही हैं। इस दौरान मायावती मौजूदा परिस्थिति में बसपा को नए सिरे से खड़ा करने की रणनीति पर रोड मैप रखेंगी। सूत्रों ने बताया कि बसपा प्रमुख मायावती समीक्षा बैठक में यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी अपना प्लान सामने रखेंगे। उन्होंने बताया कि उपचुनाव लड़ने की हरी झंडी मायावती ने दे दी है और उसके लिए मजबूत प्रत्याशी की तलाश करने के लिए कोऑर्डिनेटरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बसपा ने ऐसे नेताओं को चुनाव लड़ने की प्लानिंग बनाई जिनका उन सीटों पर अपना सियासी आधार हो। उनका मानना है कि अगर बसपा उपचुनाव नहीं लड़ेगी तो पार्टी का बचा कुचा आधार भी खिसक जाएगा। इसके लिए सिर्फ उपचुनाव में उम्मीदवार ही नहीं उतारने बल्कि अभी से उन सीटों पर तैयारी शुरू करने के लिए भी संकेत दे दिए हैं। यूपी में 9 विधायक 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद बन गए हैं जिसके चलते उनकी सीटें खाली हो गई हैं। बीजेपी से अलीगढ़ की खैर से विधायक अनूप वाल्मीकि हाथरस से सांसद बने, गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग गाजियाबाद से सांसद बने, फूलपुर से विधायक प्रवीण पटेल फूलपुर से सांसद बने, मिर्जापुर के मांझवा से विधायक विनोद बिंद भदोही से सांसद चुने गए। बीजेपी के 4 विधायकों ने अपनी अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है जिसके चलते खैर गाजियाबाद फूलपुर और मांझवा विधानसभा सीट खाली हो गई है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीटें से आरएलडी के विधायक चंदन चौहान अब बिजनौर से सांसद बन गए हैं जिसके चलते मीरापुर विधानसभा सीट खाली हो गई है। सपा विधायकों के सांसद चुने जाने की फहरिस्त देखें तो 4 नेता हैं। करहल से विधायक अखिलेश यादव ने कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद अपनी विधायकी छोड़ दी है। इसी तरह मुरादाबाद के कुंदरकी से सपा के विधायक जिया और रहमान बर्क संभल से सांसद चुने गए हैं। अयोध्या के मलकीपुर से सपा के विधायक रहे अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद चुन लिए गए हैं। तो अंबेडकर नगर के कटहरी से लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से सांसद बने हैं। इसके अलावा सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई है जिसके चलते उनकी सदस्यता पर तलवार लटक रही है। कानपुर के आर्यनगर से इरफान सोलंकी विधायक है और जल्द ही उनकी सीट भी खाली होने वाली है।